सो वेलकम बैक टू द बेशरम चैनल। एक ऐसा यूट्यूबर जो अपने ऑडियंस को भूल गया, मुझे ऐसा लगता है ऑडियंस ने शायद मुझे भुला दिया। हाँ, क्योंकि मैंने कुछ ऐसे वादे किए हैं कुछ रूलिंग पार्टी के जैसे कि भाई शायद आपको 15 लाख देने वाला था पर मैंने दिया नहीं। आप वोट पे वोट देते गए, मुझे जिताते गए और मैं अभी आज अपने कामयाबी के उस मुकाम पे पहुंचा हूं जहां से लौटना थोड़ा मुश्किल है। ओके, कम टू द सीरियस नोट। तुम्हारी भाभियों ने ऐसे बुरे बुरे तरह से डिच किया ना, भाभियों समझ रहे हो लौंडा कितना बड़ा स्टड है। भाभी नहीं, भाभियों। साला इस शक्ल के साथ इतना कॉन्फिडेंस आ जाए ना जिंदगी में तो अपन भी कैरी मिनटी है। ओके, तो सीधा मुद्दे पे आते हैं। लेकर आया हूं फिर से क्या बोलती पब्लिक। सोशल मीडिया पे मच रहा है कुछ मचांड। बायकॉट गैंग जो है एकदम पूरी तरह से अपने हथियार लेकर के खड़ी थी कि अचानक से कुछ ऐसा टॉपिक आ गया बीच में जो बायकॉट गैंग हक्का बक्का रह गई। क्या करें, करें तो करें क्या। स्वरा भास्कर वो अपना एक फिल्म लेकर के आ गई है और फिल्म का नाम है चार यार। वैसे इस फिल्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करूंगा, मैं सीधा बात करूंगा कि ये फिल्म को लेकर के लोगों की क्या ओपिनियन है और वो ओपिनियन बताऊंगा जो आप लोगों ने खुद जाकर के लिखा है। तो मुझे जाकर के कोई गाली नहीं देगा, अगर मुझे किसी ने गाली दिया तो सेम टू यू लिख कर भेजूंगा तुम लोगों को पर्सनल में। मेरा राजा बेटा, मैं आप लोगों को नहीं बोल रहा हूँ, ये बंदे का नाम है यार, ऐसे ही कुछ नाम मुझे भी रखना चाहिए। तो मेरा राजा बेटा लिखते हैं तरण आदर्श को, इंग्लिश में नहीं हिंदी में बता देता हूँ कि अगर देसी वुमन जो है साड़ी में बियर बॉटल लेकर बैठती है और यही प्रगति का नाम है तो मैं रिवर्स जाना ज्यादा पसंद करूंगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताओ। माय रियल क्वेश्चन टू स्वरा, विल यू एग्री टू हैव अ मदर इन बीच विद बियर बॉटल इन हैंड्स? आई सर्टेनली कांट इमेजिन माय मॉम डूइंग दैट, नॉट इवन माय फादर। बहुत ही गए गुजरे किस्म के इंसान हो, अपनी आजादी को आजादी मानते हो और औरत अगर बियर का बॉटल लेके साड़ी में, मतलब साड़ी के अंदर नहीं, मतलब बियर का बॉटल लेकर के वो पीते हुए दिख जाए तो तुम्हें प्रॉब्लम है। साला ये पुरुष व्रती समाज, ये मैं नहीं, लड़कियां कह रही है, मेरे पे जाने का नहीं, एकदम नहीं। अपन न्यूट्रल है, अपन का नाम ही जीरो है, अपन ना उधर के ना उधर के, अपन न्यूट्रल एकदम। अच्छा, आई मस्ट से बेइज्जती करवाना कोई इनसे सीखे इनसे सीखे। चतुर रामलिंगम, ऐसा क्यों लगता है यार कि क्रिएटर से बेटर तो ऑडियंस है जो कमेंट सेक्शन पे जाकर के मचा डालती है। काश कोई बॉलीवुड के अच्छे से अच्छे डायरेक्टर की नजर में ये लोग आए तो पता नहीं बॉलीवुड कहां से कहां पहुंच जाए। यार मैंने शायरी मारा है क्या? नहीं, मैंने नॉर्मली बोला था, बस राइमिंग हो गई। लुक लाइक बजट बी ग्रेड मूवी, नहीं, इमरान हाशमी का जमाना चला गया तभी उनका भार जो है हमारी फीमेल लोगों ने उठा लिया है तो बी ग्रेड नहीं बोलने का। हम लोग जब इमरान हाशमी की मूवी को एंजॉय करते थे तो इनका एंजॉय करने में क्या जाता है? क्या यार तुम लोग ना, सीरियसली कौन, किसने लिखा ये चीज? लियोन, ये सारा नाम नहीं झोल है, सनी लियोन के खानदान से ही ये लोग ऐसी ऐसी चीजें लिखेंगे। संजय ताड़े ने कुछ पिक्चर्स दिखाए हैं एकदम क्लोजअप शॉट और इस क्लोजअप शॉट के बाद में भाई साहब लिखते हैं स्वरा आंटी अब बुढ़ी और टकली भी हो गई है, तुमको उसकी जवानी देखनी है साले? हाँ, जवानी अगर दिख भी गई तो क्या ही उखाड़ लोगे बे, बड़ी बुढ़ी और आंटी बोल रहे, निकल इधर से। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पब्लिक कहेगी। यार ये ज्यादा नहीं हो गया? स्वरा का नाम सुनते ही बंदा उल्टी कर रहा है, बहुत ज्यादा हो गया। लेकिन खुद चड्डी भी नहीं पहनेगी पर कर्नाटक के स्कूल में हिजाब बुरके के मांग को लेकर गला फाड़ रही। यार थोड़ा तो यार मर्यादा रखो बंदी का। देखो कुछ लोग होती है जिसको वेस्टर्न कपड़ा नहीं जमता है, उनको नहीं पता होता है कि शॉर्ट ड्रेस पहनने के बाद में टांग पे टांग चढ़ा के कैसे बैठते हैं, जहाँ पे टांग खोलने की इतनी ज्यादा आदत हो तो सॉरी, मेरा वो इरादा नहीं था, अपने हिसाब से समझ लो, लगा लो जो लगाना है। मूवी लड़कियों के लिए है, यूपी बिहार की अट्टी ट्रेलर है मादर जात। एग्जैक्टली, ट्रेलर के आखिरी शॉट में वो फोर्थ जो हीरोइन होती है वो गला फाड़ के पहाड़ी पे खड़े होकर चिल्लाती है मादर जात, मुझे मादर चूत सुनाई देता है। और किसी ने उसी चीज को पूरा कॉपी मार के लिख दिया है, टट्टी ट्रेलर है मादर जात। अरे यार ये तो मत करो यार, ये क्या है? नहीं, काफी है, इतनी बेइज्जती काफी है, वरना पता चला स्वरा आंटी का मुझे डायरेक्टली कॉल आ गया और बोलेगी चलो रसबरी देखते हैं। वैसे रसबरी देखने के बाद मजा तो नहीं आया था पर हंसी बहुत आई थी। सो आपका क्या रिएक्शन है बताओ, क्या बोलती पब्लिक में। आज मैंने एक ही टॉपिक उठाया है और उस टॉपिक के ही भरोसे मैंने ये वीडियो बना डाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। मेरा आउटरो चेंज हो चुका है, जो कि मेन चैनल पे अभी आउटरो यही है, मैं यही बोलता हूँ।